वेलकम टू ऑल माई डियर एस वाई बी कॉम स्टूडेंट्स गायत्री पी जी कॉलेज संचौर जालौर यूट्यूब चैनल्स टुडे आई विल स्टार्ट माई लेक्चर्स मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ मनी दैट इज फर्स्ट लेसन बी कॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट पेपर मनी एंड बैंकिंग सिस्टम पुस्तक के अंतर्गत फर्स्ट लेसन मीनिंग नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मनी मुद्रा का अर्थ प्रकृति एवं कार्य के बारे में आज मैं आपको विस्तार से इसकी चर्चा करता हूँ तथा मुद्रा क्या है मुद्रा का कार्य क्या है उसकी प्रकृति क्या है उसकी विशेषताएं क्या है जैसा कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत मुद्रा का अर्थ तथा स्वरूप के बारे में वर्णन किया है उनके विचारों को हम अध्ययन करेंगे तथा मुद्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जैसा कि आप सबको ये पता होगा कि मुद्रा हमारे आर्थिक जीवन का एक अभिभाज एवं एक आवश्यक अंग है हम उसकी प्रकृति कार्य एवं महत्व से स्वाभाविक रूप से परिचित है इसीलिए प्रोफेसर मार्शल ने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसकी चारों ओर अर्थ अर्थतंत्र चक्कर काटता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा उत्पादन की निर्देशिका उपभोग की नियंत्रक विनिमय का आधार तथा बचत एवं विनियोग की प्रेरक है मुद्रा के स्वभाव कार्यों तथा महत्व का अध्ययन अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है वैसे देखा जाए तो करेंसी मुद्रा जिसे हम कहते हैं पैसे या धन के उस रूप को कहा जाता है जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है इसमें सिक्के और कागज़ के नोट दोनों ही सम्मिलित हैं आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है जैसा कि भारत में रुपया व पैसा मुद्रा है मुद्रा के बारे में हम उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं के बारे में अर्थ के बारे में जान सकते हैं जैसा कि सामान्यतः हमें पता है कि मुद्रा वह है जो विनिमय का माध्यम के रूप में कार्य करता है मूल्य के मापक के रूप में कार्य करता है तथा धन के संचय के रूप में तथा स्थगित भुगतानों के मान आदि के रूप में सम्मिलित किया जाता है विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा तथा उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर दी है मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होना बहुत ही आवश्यक है यदि किसी वस्तु में सामान्य स्वीकार होने की विशेषता नहीं है तो उस वस्तु को मुद्रा नहीं कहा जा सकता इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा वह है वस्तु है जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम के रूप में मूल्य के मापक के रूप में धन के संचय तथा ऋणों के भुगतान के रूप में स्वीकार्य की जाती है मुद्रा की कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं है जो सर्वमान्य हो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की अलग अलग परिभाषाएं है दी हैं प्रोफेसर जॉनसन ने मुद्रा की परिभाषाओं की चार अलग अलग भागों में अपनी पुस्तक एस ऑन एन मोनिट्री इकोनॉमिक्स में बतलाया है जो कि इस प्रकार है परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की परिभाषाएं कार्यों के आधार पर दी गई हैं क्राउथर के अनुसार मुद्रा वह चीज है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः सभी व्यक्तियों के द्वारा स्वीकार की जाती है तथा साथ ही साथ मुद्रा के मापक तथा मुद्रा के संग्रह का भी कार्य करती है हार्टलिविदर्स तथा वाकर के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे जे एम केंज के अनुसार मुद्रा में उन समस्त चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है जो बिना किसी प्रकार के संदेह अथवा किसी विशेष जांच के वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने और खर्च को चुकाने के साधन के रूप में साधारणतः प्रयोग में लाई जाती है मुद्रा के परम्परावादी दृष्टिकोण में हम समय जमा को मुद्रा में शामिल नहीं करते मुद्रा में परम्परावादी अर्थशास्त्री केवल नोट सिक्के तथा बैंकों में मांग जमा को ही सम्मिलित करते हैं शिकागो विचारधारा के अंतर्गत मिल्टन फ्रीडमैन का नाम आता है शिकागो दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण से बहुत अधिक विस्तृत है इस दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा में समय जमा को भी सम्मिलित किया जाता है मुद्रा बराबर होता है नोट सिक्के बैंकों में मांग जमा तथा समय जमा इन समस्त चीज़ों को जोड़ने से ऐड करने से मुद्रा का निर्माण होता है परंपरागत दृष्टिकोण में मुद्रा के संचय के कार्य को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा गया केवल मुद्रा के विनिमय के कार्य के बारे में बात किया गया जबकि को विचारधारा में मुद्रा के संचय के कार्य को अधिक महत्व दिया गया तथा शाह दृष्टिकोण के अनुसार तथा शाह ने अपनी पुस्तक मनी ने थ्यूरी ऑफ फाइनेंस में मुद्रा के बारे में बताया है गुरली एवं शाह मुद्रा में उसके सभी निकट प्रतिस्थापनों को सम्मिलित किया है यह दृष्टिकोण शिकाको दृष्टिकोण से भी विस्तृत है इस दृष्टिकोण में मुद्रा में बचत बैंक जमा शेयर बॉन्ड तथा साख पत्र आदि को सम्मिलित किया जाता है मुद्रा इक्वल नोट प्लस सिक्के प्लस मांग जमा प्लस समय जमा प्लस बचत बैंक जमा प्लस शेयर प्लस बॉन्ड प्लस साख पत्र इस प्रकार से मुद्रा का निर्माण किया जाता है रेड क्लिप दृष्टिकोण के अनुसार केंद्रीय बैंकिंग दृष्टिकोण को हम रेड क्लिप दृष्टिकोण कहते हैं इस दृष्टिकोण में हम मुद्रा की विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी गई साख को सम्मिलित करते हैं केंद्रीय बैंकिंग दृष्टिकोण में मुद्रा में नोट सिक्के मांग जमा समय जमा गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों तथा असंगठित संस्थाओं द्वारा दी गई साख को सम्मिलित किया जाता है इस प्रकार से मुद्रा का निर्माण नोट प्लस सिक्के प्लस मांग जमा प्लस समय जमा प्लस बचत बैंक जमा प्लस शेयर बाड प्लस असंगठित क्षेत्रों द्वारा जारी की गई साख इन सब के योग से मुद्रा का निर्माण होता है फिशर ने सन 1911 में अपनी पुस्तक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में मुद्रा के परमाणु सिद्धांत के बारे में बतलाया उन्होंने बताया कि मुद्रा की तथा कीमत स्तर के बीच प्रत्यक्ष तथा अनुपातिक संबंध होता है अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर में भी वृद्धि होगी और अगर मुद्रा की पूर्ति कम होती है तो कीमत स्तर में भी कमी होती है फिशर ने मुद्रा की पूर्ति को सक्रिय तथा कीमत स्तर के निर्धारण में मुद्रा की मांग को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया परंपरावादी अर्थशास्त्री मुद्रा के केवल विनिमय माध्यम की बात करते हैं जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने बतलाया कि मुद्रा को संचय भी कर सकते हैं केंद्र के अनुसार मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर के बीच अप्रत्यक्ष संबंध होता है मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने के फलस्वरूप सबसे पहले ब्याज की दर में परिवर्तन होता है और ब्याज की दर में परिवर्तन होने से निवेश प्रभावित होता है और फिर आय उत्पादन रोजगार बढ़ता है केंद्र के अनुसार पूर्व रोजगार से पहले मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर उत्पादन तथा कीमतें दोनों बढ़ती हैं परंतु रोजगार के बाद मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर केवल कीमतों में ही वृद्धि होती है इस प्रकार से विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को अलग अलग दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषित किया विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार किया जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि मुद्रा से तात्पर्य मानव वस्तु विनिमय से मानव को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है उत्पादन में कुशलता दासता से मुक्ति तथा पारस्परिक सद्भावना में वृद्धि का लाभ होता है कृषि युग के प्रारंभ से मुद्रा का स्वरूप बदला और अन्न तंबाकू नारियल अंडे सेब इस युग में प्रारंभिक धातुक मुद्रा का प्रचलन हुआ पर आधुनिक विशिष्टीकरण के युग में सांकेतिक पत्र मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ कागज के नोट जय खुंडियाँ आदि नगदहीन समाज की ओर अग्रसर होने का परिचारक है इस तरह मुद्रा का इतिहास मानव सभ्यता का विकास है मुद्रा की परिभाषाएं अंग्रेजी भाषा के मणि शब्द का हिंदी रूपांतर है मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनिटा शब्द से हुई है जो रोम की देवी जूनो का प्रारंभिक नाम था देवी जूनो को स्वर्ग की रानी माना जाता था अतः मुद्रा को भी स्वर्गीय सुप्रदान करने का प्रतीक माना गया अगर मनी मोनिटा देवी जूनो देवी का नाम है जो स्वर्ग की रानी है तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस मनी को रुपए को प्राप्त कर लेता है तो उसे सुख की अनुभूत होती है क्योंकि वो उससे उस मनी से वह अपनी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति कर सकता है इस प्रकार से मुद्रा शब्द की उत्पत्त लैटिन भाषा के पिकुनिया शब्द से भी मानी गई है जिसका संबंध पूकस अर्थात पशुधन से है पशु चूँकि पशु युग में मुद्रा के रूप में विनिमय के माध्यम थे अतः मुद्रा शब्द उसी से प्रचलित हुआ मुद्रा की परिभाषाओं का संक्षिप्त अध्ययन करना आवश्यक है समय और परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ ही साथ मुद्रा के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ तथा अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की सर्वमान्य परिभाषा देने को प्रेरित किया मुद्रा की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। मुख्य रूप से इन परिभाषाओं को दो भागों में बांटा गया है मुद्रा की परिभाषाएं मुद्रा की परिभाषाओं को दो भागों में बांटा गया विचारधारा अनुसार नंबर दो प्रकृति के अनुसार प्रकृति के अनुसार परिभाषाएं जो हैं उन्हें तीन भागों में बांटा गया तथा विचारानुसार परिभाषाओं को भी तीन भागों में बांटा गया संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार जिसमें प्रोफेसर आबर्टसन है विस्तृत दृष्टिकोण के अनुसार प्रोफेसर हार्टली विदर्स था कोल का नाम आता है आधुनिक दृष्टिकोण के मुताबिक एली मार्सल कोल क्रीस क्राउथर आदि विभिन्न अर्थशास्त्रियों का नाम सम्मिलित है प्रकृति के अनुसार वैधानिक परिभाषाएं जिसमें नेफ हॉट्री का नाम प्रसिद्ध है वर्णात्मक परिभाषाएं हॉटली विदर्स टॉमस सिजवी क्राउथर आदि का नाम सम्मिलित है सामान्य स्वीकृत पर आधारित परिभाषाओं के अंतर्गत वाकर किनले कैंट केन्स कोल सेलिंग मार्शल आदि का नाम जुटा हुआ है सामान्य स्वीकृत के अनुसार परिभाषाएं सामान्य स्वीकृत अथवा सर्वग्राहता पर आधारित परिभाषाएं प्रोफेसर मार्शल के अनुसार प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा के अंतर्गत ये समस्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जो किसी समय अथवा किसी स्थान में बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं तथा सेवाओं के खरीदने और खर्च चुकाने के साथ के रूप में सामान्य प्रचलित रहती हैं मार्शल के कहने का तात्पर्य ये है कोई भी ऐसी वस्तु हो जो किसी भी समय अथवा किसी भी स्थान पर बिना किसी जांच के बिना किसी इंक्वायरी के जो वस्तुओं सेवाओं को खरीदने में सक्षम हो तथा खर्च चुकाने के साथ ही साथ सामान्य रूप से हर जगह प्रचलित हो तथा हर कोई व्यक्ति उसे स्वीकार करता हो प्रोफेसर सैलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो क्राउथर के अनुसार कोई वस्तु जो विनिमय के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है और उसी समय मूल्य मापक एवं मूल्य संचयन का कार्य करती हो मुद्रा कहलाती है प्रोफेसर किन्स के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसके द्वारा ऋण संविदा एवं मूल्य संविदा का भुगतान किया जाता है एवं जिसके रूप में सामान्य किया जाता है प्रोफेसर पीगू के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसको विस्तृत क्षेत्र में विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो और अधिकांश लोग उसे उसे वस्तुओं की सेवाओं के भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हों उसे मुद्रा कहते हैं मुद्रा ऐसी वस्तु है जो सरकार द्वारा विधिग्राही हो उसमें ऐसे गुण हों जिसे सभी व्यक्ति उसे स्वीकार करें तथा उसमें ये गुण होने चाहिए कि वह किसी भी वस्तुओं को खरीदने में सक्षम हो रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे विस्तृत क्षेत्र में दायित्वों के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा से तात्पर्य मूल्य के मापक के रूप में विनिमय के माध्यम के रूप में संचय के साधन के रूप में भुगतान के रूप में जो सभी व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृत हो जिसमें सर्वग्राहिता का गुण विद्यमान हो मुद्रा कहलाती है वर्णनात्मक या कार्य वाहक परिभाषाएं वर्णनात्मक परिभाषाओं के अंतर्गत हॉटले विदर्श के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे मुद्रा कोल के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्यमापक और भुगतान का साधन है मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के सामान मापक के रूप में कार्य करती है इसी प्रकार की परिभाषाएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के कार्यों के आधार पर किया है जिसमें मुद्रा की सर्वग्राहिता तथा वैधानिक पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया गया है यह उपयुक्त नहीं है क्योंकि वस्तु में सर्वग्राहिता तथा वैधानिक न होने पर उसके कार्यों के अनुसार उसे मुद्रा नहीं माना जा सकता जैसा कि फ्रांसिस वॉकर सिजविक हिटल्सी हटलिविदर्स नोगारो तथा एस एस द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं वॉकर के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे कॉलबोन के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक व भुगतान का साधन है नागौर के शब्दों में मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के सामान्य मापक के रूप में कार्य करता है वैधानिक परिभाषाएं वैधानिक परिभाषाओं को वैधानिक परिभाषाओं के अंतर्गत प्रोफेसर नेब तथा हॉट्रिक का नाम आता है प्रोफेसर नेब के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा हो जाती है इसी प्रकार हॉट्रिक के अनुसार मुद्रा के दो पहलू होते हैं प्रथम यह हिसाब की इकाई है दूसरी विधिग्राही है तो वैधानिक परिभाषाओं के अनुसार भी मुद्रा वही वस्तु है जिसे सरकार द्वारा मुद्रा घोषित किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हो इस विचार के मुख्य समर्थक जर्मनी के प्रोफेसर नैब तथा तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री हाइट हार्ट्रे हैं कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है हॉट्रे ने मुद्रा की परिभाषाओं के लिए इन्हीं पहलुओं का विवेचन किया है प्रथम किरणों के, के कानूनी शोधन के लिए मुद्रा एक साधन प्रदान करती है तो दूसरे मूल्यमापक के रूप में यह शाख की अस्थिरता को सही करती है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा में ये समस्त गुण होना आवश्यक है मुद्रा के इन कार्यों के साथ ही साथ विस्तार के आधार पर भी इनकी परिभाषाएं दी गई हैं विस्तार के आधार पर संकुचित परिभाषाएं हैं व्यापक अथवा विस्तृत परिभाषाएं हैं उचित तथा आधुनिक विचारधारा की परिभाषाएं दी गई हैं संकुचित तथा संकीर्ण परिभाषाओं में प्रोफेसर प्राइम की परिभाषा प्रमुख है प्रोफेसर प्राइम के अनुसार सिक्के केवल धात्विक सिक्के ही मुद्रा हैं संकुचित अर्थ में मुद्रा की परिभाषा के अंतर्गत केवल धातु के सिक्कों को ही सम्मिलित किया जाता है इनके अनुसार केवल सोने व चांदी की बनी मुद्राओं को ही विस्तृत रूप से स्वीकार किया जाता है लेकिन ये परिभाषा अत्यधिक संकीर्ण है यहाँ जहां पर प्रोफेसर आवर्टसन ने संकीर्ण अर्थ में केवल धातु मुद्रा को ही मुद्रा माना है वहां व्यापक दृष्टिकोण से हार्टले विश ने धात्विक मुद्रा पत्र मुद्रा तथा साख मुद्रा सभी को सम्मिलित किया है इस प्रकार उचित एवं आधुनिक दृष्टिकोण में एली व मार्शल ने मध्यम मार्ग को अपनाया व्यापक परिभाषा जो कि प्रोफेसर हार्टले एवं विदर्श के अनुसार है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे प्रोफेसर कोल के अनुसार मुद्रा केवल क्रय सकती है जो वस्तुएं खरीदती हैं इन दोनों परिभाषाओं में कोल की परिभाषा का क्षेत्र कुछ सीमित है प्रोफेसर हार्टले विदर्श की परिभाषा ने में उन सभी वस्तुओं का समावेश कर लिया गया है जो मुद्रा का कार्य करे चाहे वो धात्विक मुद्रा हो या पत्र मुद्रा हो या साख मुद्रा हो जिसमें चय घुंडियामय पत्र आदि सभी आते हैं इस प्रकार से मुद्रा का क्षेत्र आवश्यकता से अधिक विस्तृत हो गया है आधुनिक एवं उचित दृष्टिकोण की परिभाषाएं इस वर्ग में आने वाली परिभाषाओं में प्रोफेसर मार्शल एली रॉबर्टसन आदि की परिभाषाएं प्रसिद्ध हैं एली के अनुसार मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित होती है तथा सामान्यतः ऋणों के अंतिम भुगतान में ग्रहण की जाती है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो किसी विशेष समय अथवा स्थान पर बिना संकोच अथवा विशेष जांच के वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने तथा खर्च के भुगतान के रूप में साधारणतः प्रचलित हैं अथवा स्वीकृत की जाती हैं इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर आवर्टसन के शब्दों में मुद्रा वह है वह चीज़ है जो कि दायित्वों की चुकाने में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है इस प्रकार प्रोफेसर कोल के अनुसार मुद्रा में क्रय शक्ति होती है वह किसी भी वस्तु को खरीद सकती है वह विनिमय के माध्यम का कार्य करती है आर्थिक ले आर्थिक लेन देनों का अंतिम भुगतान कर सकती है उसकी सहायता से भी धन ऋणदाता को देकर ऋण मुक्त हो सक ऋण मुक्त हो सकता है कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से वह एक हाथ से दूसरे हाथ में बिना रोक टोक के आ जा सकती है मुद्रा में मान ग्राहिता स्वीकारिता का गुण होता है विनिमय के माध्यम के रूप में यह कार्य करता है ऋण शोधन के रूप सभी व्यक्तियों द्वारा बे रोक टोक इसे निसंकोच स्वीकार किया जाता है इस प्रकार से मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषाएं परिभाषाओं के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समय एवं स्वरूप के बदलने के साथ ही साथ अपने विचारों के अनुसार भिन्न भिन्न परिभाषाएं प्रतिपादित की हैं